हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से। तो गाइज, मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और मैं आई हूँ अपने घर के बगल वाली खेत में, क्योंकि आजकल सब जगह ना ऐसी ही लवाई और मंडाई का ही काम चल रहा है। तो अब ना हमारा मंडवा पक चुका है, तो मैं ना मंडवे को लगाने आ रखी हूँ अभी खेत में। अभी आई हूँ और अभी लगाना स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने। तो मैंने मंडवा लगाने के लिए लाया है ये कंडी, यानी कि घीड़ा, हम इसको घीड़ा ही बोलते हैं। और इस पे ना मैंने कुछ इस तरह से ये चुन्नी लगाई है और ये चुन्नी ना अंदर तक लगा रखी है मैंने अभी। और आजकल ना बस खेतों का ही काम है। अभी ना पूरे अक्टूबर तक खेतों का ही काम रहेगा। और अभी तो बर्तन बुर्तन मैंने सब धुल दिए हैं और मैंने नाश्ता तो कर लिया है, और साजी और मेरी ननद तो अभी नाश्ता कर रही हैं और ससुर जी भी गाड़ी पे चले गए हैं और अंशी भी अपनी दादी के साथ है अभी। तो थोड़ी देर में ना साजी भी आ जाएंगी यहाँ खेत में, तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ। तो अभी वो ना नाश्ता कर रहे हैं तो फिर आ जाएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ना धूप में ना अभी हमारे घर में ना धूप नहीं आई है, तो धान सुखाने के लिए रखना है। तो जब धूप आ जाएगी तो फिर आ जाएंगे खेत में। और घर के बगल वाली खेत में ना मैं आ रखी हूँ। तो गाइस, बस आजकल काम ही काम है, तो बस काम ही काम का ब्लॉग। तो गाइस, मैंने ना थोड़ा मंडवा लगा दिया है और आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। मंडवे की खेती ना काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये जो मंडवा है, इसकी रोटी ना शुगर वालों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और एक और चीज़ है, और मंडवे की खेती के साथ ना बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दालें होती हैं और भट भी होते हैं। तो इसके साथ ना मंडवे के साथ ना बहुत सारी चीज़ें बोई जाती है, तो एक ही खेत में ना कई प्रकार की चीज़ें हो जाती है। तो मंडवे की खेती ना बहुत ही लाभदायक है, देख लोगों को बताती हूँ। ये है सुट्टा, तो ये भी दाल है, पहाड़ी दाल है। और भट भी बोए जाते हैं, बो रखे हैं हमने कहीं कहीं पे। तो ये ना ये है भट, भट भी बो रखे हैं इसी खेत में। तो इसके साथ ना काफ़ी चीज़ें बोई जाती है। और ये है, ये दूसरी दाल है, ये मेरे मायके साइड तो नहीं होती है लेकिन यहाँ हो जाती है। तो इसको ना यहाँ ना कठोर दाल बोलते हैं। मेरे मायके साइड ना वैसे उड़द की दाल ज़्यादा होती है, यानी काली दाल ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ काली दाल ना बहुत होती है और उसके साथ छेमी बहुत होती है, और यहाँ ना सुट्टा और ये कठोर वाली दाल और भटना काफ़ी होते हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और एक खेत में ना बहुत सारी खेती होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस, बने रहे आप मेरे साथ। अब मैं थोड़ा और काम कर लेती हूँ, मतलब और मंडवा लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा खेत है ये, तो कितना लगा पाती हूँ आज देखते हैं आगे चल के। और अभी टाइम ना शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने ना गायों को भी बाहर निकाल दिया है और उनको ना घास पानी भी दे दिया है। और 4 बज चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा ना चाय बना लेती हूँ। और आगे समय से ना खेत से ना हम 1 बजे आ गए थे, लेट ही में आए। तो और उसके बाद ना हमने खाना पीना खाया और ऐसे ही थोड़ा सा बैठे रहे और टाइम का पता ही नहीं चला। और अंशी भी अभी ना बैठ रखी है मेरे साथ यहीं पर है। बोलो हाय, ऐसे बोलो, फूल लो।
ऐसे बोल गाइस, फूल ले लो, फूली फूली है। कैसी है फूली फूली, सुंदर है? नौटंकी पर हमने ना धान भी सुखाने के लिए रखा था, तो बस अब इसको भी ना हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि आसमान भी ना खराब होता जा रहा है। अभी कहीं धूप है, कहीं आसमान ना उधर से खराब हो रहा है, तो अभी हम ना इसको उठा लेंगे। और अंसी देखो क्या कर रही है, अंसी उठा रही है, बंद कर रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, मम्मा करेगी, मम्मा ठीक है, मम्मा करती है। तो गाइस हमने ना अभी धान भी उठा दिया है, और क्योंकि है ना हल्की फुल्की बारिश की बूंदें ना तब तक आ गई थी, लेकिन शुक्र है हमने तब तक उठा दिया था। और साजी लोगों को ना मैंने चाय भी बना के दी दी है, और अभी ना मैं फिर से खेत में आ गई हूँ मंडवा लगाने, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी टाइम है, अभी ना 5 बज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तब तक जितना हो सकता है मैं उतक उधर लगाऊंगी। तो मैं चलती हूँ खेत में। तो गाइस सुबह ना हमने आधे खेत का ना काम करवाए हम, और फिर हम ना घर चल गए थे। और अभी ना बहुत बड़ा खेत है ये, तो अभी ना बहुत सारा बाकी है कि वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रचना मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।